अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 9 होल 18 अपॉन 25 एंड वन ऑफ देम इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर्स। पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। दो प्रोडक्ट हैं जो इक्वल हैं 9 होल 18 अपॉन 25 के। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, दो प्रोडक्ट हैं, पॉजिटिव नंबर है जिनकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से मुराद मल्टीप्लिकेशन। जब भी प्रोडक्ट की बात की जाए तो हम मल्टीप्लाई लगाते हैं। दो प्रोडक्ट हैं जिनका जो इक्वल सम है 9 होल 18 अपॉन 25 है। अगर उसमें से एक वन ऑफ देम इज 3 टाइम्स द अदर, अगर उसमें से एक 3 टाइम्स है दूसरे का, तो नंबर्स हमें दोनों मालूम करने हैं। अगर सेकंड वाला 3 टाइम्स है फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट वाली वैल्यू भी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम उसकी जगह सपोज x लगाएंगे और किसी का 3 टाइम्स उठाएंगे, सेकंड वाली वैल्यू सपोज 3x। अभी हमारी इक्वेशन टोटल बन गई है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, होल सॉल्व करते हैं, 225 प्लस 18, 225 प्लस 18 243 अपॉन 25। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे नंबर को, जो 3 है मल्टीप्लाई में हम इक्वेशन के जब इक्वल टू के राइट हैंड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 243 अपॉन 25, 3 जो है हमारा इक्वल टू के राइट हैंड पे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी अपॉन के नीचे आएगा। अब हमारा एक कटिंग हो रहा है 3 1 3, 3 8 24, 3 1 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 अपॉन के नीचे 25। अब हम इस पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, x की पावर 2 जो है उससे हमारा रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x इज इक्वल टू 81 का स्क्वायर रूट निकलेगा 9 मल्टीप्लाई 9 l फैक्टर अपॉन 25 का निकलेगा 5 मल्टीप्लाई 5, तो इसका भी पेयर बन जाएगा x इज इक्वल टू 9 का पेयर बन गया 9 की पावर 2 अपॉन 5 का पेयर बन गया 5 की पावर 2 रेडिकल से स्क्वायर कट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 9 अपॉन 5। इसको मजीद सॉल्व करेंगे हम और इसका आंसर होल में आएगा, 5 अंदर 5, 9 में से 5 गए, रिमेनिंग 4 रिमाइंडर 6, x इक्वल टू है 1 होल 4 अपॉन 5। ये x की वैल्यू जो वन पहली प्रोडक्ट थी वो हमारे पास मालूम हो गई 1 होल 4 अपॉन 5। अब जो प्रोडक्ट नंबर दूसरी हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट थी वो थी 3x, तो अब हम दूसरी प्रोडक्ट कैसे मालूम करेंगे, x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई x की जगह x की वैल्यू जो हमने x की वैल्यू ये मालूम की थी 9 अपॉन 5। ये कटिंग नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट 3 और 5 एक दूसरे से, तो हम आमने सामने मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 9 3 9 3 3 9 37 अपॉन 5 7। अब इसको भी हम डिवाइड करेंगे, 27 अंदर जाएगा 5 बाहर आएगा, 5 5 25, रिमाइंडर्स हमारे पास बचेगा 2,
हमारा इसका आंसर होगा 5 होल 2 अपॉन 5। तो ये हमारा दूसरी प्रोडक्ट भी मालूम हो जाएगी।